कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात, भगवान की कोई जात नहीं होती है, भगवान सबके होते हैं, तो भगवान को किसी जात से ना जोड़ा जाए। परशुराम को कोई, परशुराम भगवान को सिर्फ ब्राह्मणों तक लोग सीमित करना चाहते हैं। भगवान श्री राम को अगर आप कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, और भगवान श्री कृष्ण को आप कह रहे हैं यादव हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, उनकी जाति डिसाइड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो आदि पुरुष फिल्म आई है, तो जब से मैं छोटा था और जब से मैं जानने लायक हुआ, जब से मैं जान पाया हूँ, चीज़ों को समझने लगा हूँ मैं, तब से मैं रामानंद सागर के द्वारा जो बनाई गई है, मतलब सीरियल जो बनाया गया है, मतलब रामायण, उस रामायण को हम देख करके पले बढ़े हैं और बहुत कुछ उससे मुझे सीखने को मिला है। आज पुरुष मैं फिल्म देखने नहीं गया, पहले मैंने सोचा था मैं देखूंगा, लेकिन जिस तरीके से उसके डायलॉग थे, जिस तरीके से उसके कुछ सीन दिखाए गए, ये बहुत ही बेहुदा था और बहुत ही समझिए कि बेकार था। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस फिल्म को एकदम बैन कर देना चाहिए। देखिए, ये बॉलीवुड के जो भांड है ना, ये अपने पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और ऐसी मूवी बिल्कुल नहीं, भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, भगवान श्री राम रवि किशन जी सपोर्ट करें, मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। वो रवि किशन जी बीजेपी के सांसद, उनका अपना व्यक्तिगत मामला होगा, मैं 1% आदि पुरुष मूवी का सपोर्ट नहीं करता हूं। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, और उसमें अब्बे तब्बे तेरी मेरी ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान श्री राम, ये लोग क्या, ये इनकी औकात नहीं कि भगवान श्री राम पर ये मूवी बनाएंगे? इन्होंने तो एकदम भगवान श्री राम की जो छवि है, मनोज मुंशी ने कहा कि हम इस तरीके से बना रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी सीखे, हम भी तो आज की ही पीढ़ी है, हम तो रामानंद जी के रामायण से सीख रहे हैं, आज की पीढ़ी से। तो क्या आप ये दिखाओगे, कल जब समय बढ़ेगा तो राम भगवान गाली गलौज भी देते हुए दिखा दोगे? आप क्या दिखाना चाहते हो, किस भाषा का प्रयोग करवाना चाहते हो? हमारी जो भाषा है वही भाषा रहनी चाहिए, हमारी जो संस्कृति वही संस्कृति रहनी चाहिए, इससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। संत समाज आवाज नहीं उठा रहा इसको लेके, संत समाज को आवाज उठाना चाहिए। और वही है ना कि अधर्म को मुक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं। जो आज गलत पर मौन रहेंगे, इनका जो हस्त्र है वो गलत ही हो। मनोज कह रहे हैं हनुमान जी भगवान थे ही नहीं, मनोज को कुछ आता ही नहीं है, मनोज अभी तक मुंतशिर लगाकर घूम रहे थे। मनोज एक दो वीडियो उनका आया चंद्रशेखर राजा तिवारी पर, हम लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन मुझे लग रहा है मनोज जी को अहंकार आ गया और मनोज जी को जो सम्मान दिया गया, मनोज जी वो सम्मान पचा नहीं पाए। मनोज जी क्या सोच रहे हैं कि इनके तर्क देने से हम लोग सहमत हो जाएंगे? मनोज जी का सम्मान गिर गया है, अब मनोज जी वो सम्मान कभी नहीं पा पाएंगे। मनोज जी कभी वो सम्मान नहीं पा पाएंगे जो सम्मान का पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या उनकी सरकार से इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहिए? मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हिंदूवादी सरकार है और नरेंद्र मोदी जी जो है हिंदुत्व के मुद्दे, हिंदुत्व का एक चेहरा होने के नाते उनको सत्ता में लाया गया, नहीं तो ऐसे तो राहुल भी बन जाते प्रधानमंत्री। तो सेंसर बोर्ड ने इसे पास कैसे कर दिया, या भी काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी मूवी को तो बिल्कुल बैन कर दिया जाना। हमारे भगवान श्री राम जी के चरित्र से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कुछ अलग मत दिखाइए, जो हमारे मन में है श्री राम जी के प्रति वही होना चाहिए। आप छेड़छाड़ करोगे, आप फजीहत करवा रहे हो एकदम, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी मूवी को बैन कर देना चाहिए। चलिए, जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।